उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ लेकर के एक नया टॉपिक जो कि नैदानिक मनोविज्ञान का विषय है, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का विषय है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति, जिसे इंग्लिश में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, या फिर कभी कभी शॉर्ट में हम इसे OCD कहकर भी पुकारते हैं। तो मनोग्रसित बाध्यता विकृति को जानने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि चिंता क्या है। फ्रॉयड का कहना था कि चिंता वह एक दुखद अनुभूति होती है या एक दुखद सांवेगिक स्थिति होती है जिसे व्यक्ति गुजरता है। तो अगर हम बात करें चिंता की, तो अधिकतर देखा जाता है कि चिंता दो प्रकार की होती है, एक स्टेट एंजाइटी और दूसरा ट्रेट एंजाइटी। अब यहाँ पर ट्रेट और स्टेट का अर्थ समझने की कोशिश हम करेंगे। ट्रेट एंजाइटी का अर्थ ये है कि हमारे शील गुणों में, यानी कि हमारे व्यक्तित्व के शील गुणों में चिंता का हो जाना। ऐसा व्यक्ति हर बात की चिंता करने लगता है, हर बात उसको परेशान करने लगती है, कल क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा, जो हो गया वो ऐसा क्यों हुआ, यानी कि हर छोटी छोटी बात की वो चिंता करने लगता है, हर छोटी छोटी बात से वो परेशान होने लगता है। इसका अर्थ क्या है कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा चिंता बन जाती है, जो कि आगे चलकर अन्य मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है या अन्य मानसिक रोगों को जन्म देती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया स्टेट एंजाइटी, ये एक तरीके की पॉजिटिव एंजाइटी है जिसका होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं होगी, एग्ज़ाम की एंजाइटी नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम के लिए चिंता नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपको जॉब के लिए चिंता नहीं होगी तो आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे, यानी कि एक ऐसी चिंता जो आपके कार्यों को सही रूप से संचालित करने के लिए ज़रूरी होती है और वो हमारी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत होती है ताकि हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। तो ये छोटे तौर पे आपने जाना कि चिंता क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो यही चिंता बढ़ते बढ़ते आगे चलकर बहुत सारी मनोविकृतियों को जन्म देती है और उन्हीं चिंता विकृतियों के अंतर्गत आती है मनोग्रसित बाध्यता विकृति, यानी कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऑब्सेशन क्या होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक थे पहले, उनका ये मानना था कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यानी कि ऑब्सेशन और कंपल्शन दो अलग अलग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रोग हैं, अलग अलग बीमारियां हैं। परंतु बहुत सारे रिसर्चेस हुई, उन रिसर्चेस के आधार पर ये माना गया कि ये दोनों अलग अलग रोग ना हो करके एक ही रोग के दो पहलू हैं, यानी कि ये एक ही रोग हैं लेकिन उसके ये अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, ये अलग अलग पहलू हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें कि मनोग्रस्तता क्या है, ऑब्सेशन क्या है, तो मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी के मन में बार बार अतार्किक एवं असंगत विचार आते हैं। आपके मन में रह रह करके बार बार ऐसे विचार आएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो अतार्किक होते हैं, जो असंगत होते हैं, अर्थहीन होते हैं, और इंसान जानता है कि वो अतार्किक हैं, असंगत हैं और अर्थहीन हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता। वो बार बार विचार उसके मन में आ करके उसमें मानसिक अशांति को जन्म देते हैं, मानसिक परेशानी को जन्म देते हैं। इसे ही मनोग्रस्तता कहा जाता है। अगर हम बात करें मनोग्रस्तता के स्वरूप की, कि इसका नेचर कैसा होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो संबंध होता है वो विचार से होता है, चिंतन से होता है और प्रतिमाओं से होता है। यानी कि आपके मन में कोई विचार जो कि अर्थहीन होगा, अतार्किक होगा, असंगत होगा, बार बार आकर के आपको परेशान करेगा और आप में भय की या चिंता की स्थिति को उत्पन्न करेगा, आपकी मानसिक शांति को भंग करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के मन में प्रतिमाएं बार बार आती हैं, इमेजेस बार बार आती हैं और वो इमेजेस को नहीं देखना चाहते लेकिन वो बार बार आकर के उन्हें परेशान करते हैं। इसके अलावा जो ये थॉट्स होते हैं वो बेतुके और अर्थहीन होते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे विचार जो होते हैं वो पुनरावर्ती होते हैं, यानी कि ये एक बार नहीं आते बल्कि
बार बार आते हैं और बार बार आकर के हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं, और इंसान चाहकर भी इन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, इनको रोक नहीं पाता और इनसे दूर नहीं हट पाता। अगर हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विचार या चिंतन को मनोग्रस्तता के विचार या चिंतन की कसौटी पर आप कब रखेंगे, जब वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए परेशानी खड़ी करने लगे। यानी कि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार बार बार आ रहा है, आपके मन में ऐसा विचार कोई बार बार आ रहा है जिसके कारण आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, आपका दिन प्रतिदिन की जिंदगी, आपके सामान्य कार्य, आपके शैक्षणिक कार्य, आपके व्यवसायिक कार्य, आपके सामाजिक कार्यों में वो बाधा पहुँचा रहा है, तब वो मनोग्रसित चिंतन की कसौटी पर आएगा। तब वो किसकी कसौटी पर आएगा? वो ऑब्सेशन की कसौटी पर तब आएगा जब वो इन सभी क्षेत्रों पर बाधा पहुंचाने लगेगा। प्रायः मनोग्रस्तता के विचार एवं चिंतन का संबंध कुछ ऐसे प्रश्नों से होता है जिनका सही सही उत्तर देना कठिन होता है। यानी कि आप उसका अर्थ नहीं खोज पाते, आप उसका उत्तर नहीं खोज पाते। निरर्थक से प्रश्न, निरर्थक से चिंतन, अर्थहीन चिंतन होते हैं। ये दुनिया क्या है, ईश्वर है या नहीं, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इन धर्मों की उत्पत्ति कैसे, इस प्रकार के अजीबोगरीब चिंतन जो अर्थहीन होते हैं। आपकी ज़िंदगी से, आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि से, आपकी व्यवसायिक पृष्ठभूमि से उनका कोई मतलब नहीं होता, आपके दैनिक जीवन से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो अर्थहीन होते हैं। और ऐसे विचार बार बार आपके मन में आते हैं और आपको परेशान करते हैं। अगर हम बात करें कि ऑब्सेशन के जो फॉर्म्स होते हैं, मनोग्रस्तता के प्रारूप कौन कौन से होते हैं, तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे अख्तर और उनके सहयोगियों ने मनोग्रस्तता के 5 प्रारूप बताए थे। यानी कि उन्होंने 5 डिफरेंट फॉर्म्स में इसको अलग अलग बांटा था। जो पहला था वो था मनोग्रसित शक, यानी कि ऑब्सेसिव डाउट। इस तरह के सतत विचार का संबंध कुछ ऐसे पूर्ण कार्यों से होता है जिसे व्यक्ति ठीक ढंग से संपन्न कर चुका होता है। यानी कि आपने कोई कार्य को ठीक ढंग से संपन्न कर लिया, लेकिन बार बार उसके बाद भी आपको ये लगना कि आपने उस कार्य को ठीक ढंग से संपन्न नहीं किया है। यानी कि आपके मन में बार बार शक हो रहा है कि आपने उस कार्य को पूर्ण नहीं किया। उस कार्य को पूर्ण कर लेने के बावजूद भी इस शक का होना कि आपने उस कार्य को पूर्ण नहीं किया। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि ताला लगाने के बाद भी बार बार जाकर के ताला चेक करना कि वो ठीक से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो दूसरा फॉर्म इसका बताया वो था मनोग्रसित चिंतन। इस तरह की कि सतत चिंतन का संबंध रोगी के जीवन की भविष्य में घटने वाली घटनाओं से होता है। यानी कि वो वर्तमान को ना जी करके अपनी भविष्य की चिंताओं में इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि वो अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी को, अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट टाइम को भी ख़त्म कर लेता है। यानी कि वो सारा टाइम किसके बारे में सोचता रहता है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। यानी कि उसकी प्रेजेंट लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और वो सारा टाइम अपने फ्यूचर के बारे में सोचने में नष्ट कर देता है। इसके बाद जो उन्होंने तीसरा प्रारूप बताया वो था मनोग्रसित आवेग। यानी कि उन्होंने कुछ रोगियों पर अध्ययन किया और कुछ रोगियों में अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो वो रोगी थे कुछ साधारण एवं तुच्छ क्रियाओं को करने से संबंधित तीव्र इच्छा बार बार दिखाते थे। यानी कि उनके मन में किसी ऐसे कार्य को करने की बार बार तीव्र इच्छा होती थी जो एंटी सोशल होता था, वो समाज की दृष्टि से तुच्छ समझा जाता था, जो मतलब नैतिक दृष्टि से भी तुच्छ होता है। कुछ अनैतिक कार्य को करने का मन, ऐसे 17% रोगियों में उन्होंने इस तरीके की आवेगों को देखा अपने अध्ययन में। उन्होंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट लिए जिनमें 17% रोगी ऐसे थे जिनमें मनोग्रसित आवेग था। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक 40 वर्ष के वकील थे जिनके मन में बार बार अपने छोटे बेटे की गला घोटकर हत्या कर देने के आवेगी विचार बार बार आते थे। उनकी तीव्र इच्छा होती थी और तीव्र आवेगी
इच्छा होती थी कि वो अपने छोटे बेटे की गला घोटकर हत्या कर दें। वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार ये अनैतिक विचार उनके मन में आकर के उन्हें परेशान करता था। इसके अलावा जो उन्होंने अगला फॉर्म बताया, जो चौथा फॉर्म बताया, वो था मनोग्रसित डर। उन्होंने बहुत सारे रोगियों का अध्ययन किया, जिसमें से 16% रोगियों में ये देखा गया कि इस बात से वे काफ़ी भयभीत रहते थे कि वे अपना नियंत्रण खो करके कुछ ऐसा कार्य ना कर दें जो सामाजिक रूप से उन्हें लज्जित करने वाला हो। यानी कि उनको लगता था कि वो ना चाह करके भी कुछ ऐसी बातें कर देंगे, कुछ ऐसे कार्य कर देंगे जो सामाजिक रूप से अपमानजनक होंगे, जिससे उनकी समाज में वो उनका उनकी लज्जा हो जाएगी, वो लज्जित करने वाला व्यवहार कर देंगे। तो ऐसा उन्होंने 16% रोगियों में देखा। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक 32 वर्षीय शिक्षक, जो कि अपनी उनकी जो पत्नी थी उनके संग उनके व्यवहार कुछ असंतोषजनक थे, तो उनको बार बार ये डर लगता था कि कहीं वो अपनी पत्नी के असंतोषजनक व्यवहार के बारे में अपने मित्रों को ना बता दें। वो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन बार बार उनके मन में ये विचार आता था कि वे अपनी पत्नी के उस असंतोषजनक व्यवहार के बारे में अपने मित्रों को बता देंगे। इसके अलावा जो उन्होंने पांचवा इसका प्रारूप बताया, पांचवा फॉर्म बताया, वो थी मनोग्रसित प्रतिमा। कुछ रोगियों में अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये देखा कि 7% रोगी ऐसे थे जिनके मन में बार बार एक प्रतिमा आती थी, एक इमेज आती थी। वो चाहकर भी उस इमेज से बाहर नहीं निकल पाते थे, उस प्रतिमा को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पाते थे, और वो प्रतिमा, वो इमेज बार बार आकर के उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने एक महिला का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि उनके बार बार, जब भी वो महिला के मन में बार बार एक इमेज आती थी कि उनके नवजात शिशु की कोई फेंक करके हत्या कर देगा। इसके अलावा जो अगली इसका जो अगला एस्पेक्ट है, जो बाध्यता है, मैंने आपको कहा कि ये पूरी विकृति एक ही विकृति है, लेकिन ये दोनों मनोग्रसित और बाध्यता इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपल्शन की। बाध्यता एक इस तरह का व्यवहारात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें जो रोगी होता है उसे किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा होती है बार बार। वो नहीं चाहता उस कार्य को करना, लेकिन बार बार उसके अंदर से उस कार्य को करने की तीव्र इच्छा उसे महसूस होती है। जैसे कि गैस, आपको पता होता है कि आपने गैस बंद कर दी है, लेकिन फिर भी बार बार आप जाकर के गैस को चेक करते हैं। आपको पता होता है कि आपने ताला लगा दिया, बार बार जाकर के ताला चेक करते हैं। आप नहीं जाना चाहते, लेकिन बार बार आपके अंदर से ये तीव्र इच्छा होती है कि नहीं, मुझे जाकर के देखना है, शायद मैंने ताला नहीं लगाया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पर खड़े होकर के और घंटों घंटों खड़े होकर के आती हुई जाती हुई गाड़ियों के नंबर नोट करते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो बाधित होता है, जो आपको बाध्य करता है करने के लिए, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप उसको बार बार करते हैं। तो जो ये बाध्यता होती है, इसके भी इन्होंने कुछ फॉर्म्स बताए मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें पहला था अनुवर्ती बाध्यता। इसमें रोगी को कोई क्रिया या कार्य करने की बार बार तीव्र इच्छा महसूस होती है। वो नहीं चाहता उस कार्य को करना, लेकिन बार बार वो तीव्र इच्छा उसके अंदर आती है कि वो उस कार्य को करे। उन्होंने जो मनोग्रसित बाध्यता यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स पर स्टडी करी, तो 61% रोगी ऐसे थे जिनके अंदर उन्होंने ये अनुवर्ती बाध्यता देखी थी, जिनको बार बार किसी कार्य को करने का दबाव महसूस हो रहा था, वो अंदर से एक प्रेशर सा फील कर रहे थे किसी कार्य को करने का। उन्होंने एक उदाहरण देकर के इस रोग को समझाने की कोशिश की कि एक 29 ईयर्स का एक लड़का था, जिसको बार बार ये लगता था कि उसकी जेब में कुछ है। वो जानता था कि उसकी जेब में कुछ नहीं है, लेकिन बार बार उसको अंदर से ये दबाव महसूस होता था कि वो अपनी जेब में हाथ डाल करके चेक करे कि उसकी जेब में कुछ है या नहीं है। इसलिए वो जानते हुए कि उसकी जेब में कुछ नहीं है, वो बार बार अपनी जेब को चेक करता था कि कोई महत्वपूर्ण कागज़ उसकी जेब में तो नहीं पड़ा। इसके अलावा उन्होंने दूसरा इसका फॉर्म बताया, वो था नियंत्रण बाध्यता। इस तरह की बाध्यता में रोगी अपने बाधित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई दूसरी क्रिया करता है, दूसरा व्यवहार करता है। यानी कि आपके अंदर कोई कार्य को करने की तीव्र इच्छा हो रही है, कोई बाध्यता आपको महसूस हो रही है, कोई प्रेशर आपको फील हो रहा है, लेकिन आप उसे नहीं करना चाहते और उससे बचने के लिए आप अनुवर्ती व्यवहार करते हैं, आप दूसरा व्यवहार करते हैं, आप परिवर्तित व्यवहार करते हैं, एक अलग तरीके का व्यवहार करने लगते हैं ताकि आप उस बाध्यता से बच सकें जो आपको बार बार करने का मन हो रहा है। एक 16 वर्ष का बच्चा था, जिसे बार बार ये तीव्र
इच्छा महसूस होती थी कि वो कुछ अनैतिक कार्य करे। वो जानता था कि वो सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार है, उसे वो नहीं करना चाहिए उन व्यवहारों को, लेकिन बार बार उसको उन अनैतिक व्यवहारों को करने की तीव्र इच्छा महसूस होती थी। और उस इच्छा से बचने के लिए, उस बाध्यता से बचने के लिए, उस व्यवहार से बचने के लिए उसने एक नया व्यवहार को जन्म दे दिया जो कि एक बाध्य व्यवहार था। वो क्या करता था, जब भी उसके मन में तीव्र इच्छा होती थी कुछ अनैतिक व्यवहार करने की, वो ज़ोर ज़ोर से गिनती गिनना शुरू कर देता था। तो उसके अंदर ये ऑब्सेशन पैदा हो गया था बार बार गिनती गिनने का। वो ज़ोर ज़ोर से गिनतियाँ गिनना शुरू कर देता था, किससे, अपने पहले वाले व्यवहार से बचने के लिए। तो आज आपने जाना कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, और अगली क्लास में हम जानेंगे कि इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।